स्वागत है बच्चों आप सब लोगों का संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? और दो तीन दिनों से एक टैगलाइन चल रहा था, इट्स टाइम टू राइज। अब ये क्या है इट्स टाइम टू राइज? इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज होने वाली है? और एक खास दिन में आज, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सब लोग एक बार बता दीजिए कि क्या हम ऑडिबल और विजिबल अच्छे तरह से हैं? और वो दिखाने का तरीका है दिल बना दो। आपका दिल बनेगा, हमारा दिन बनेगा। बिल्कुल, एक बार चैट में बता दो अगर हम आपको दिख रहे हैं और मतलब आप सुन पा रहे हैं, तो चैट में एक बार बता दो ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सकें। yes. और आज गांधी जयंती भी है, 2 अक्टूबर है। और संकल्प भारत जो है वो आपसे बना है, आपके लिए बना है, और हम कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहते हैं। और हम ये जो मतलब 2 दिन से आप देख रहे थे एराइज, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे रुके नहीं, झुके नहीं, वो आगे बढ़ते रहें, है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। तो उसी के लिए कुछ है, मतलब वही हमारा एक डायरेक्शन रहता है जो काम करते हैं। तो बताएंगे आज क्या होने वाला है, तो एक बार फटाफट से चैट में बता दो, जैसे एमडी सर कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एमडी सर कहते हैं, सर बोल रहे थे दिल से आग लगा दो, पर इस बार हम पूछना चाह रहे हैं कि गैस करो हम क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। एक्चुअल में टाइम टू टाइम हम लोग पूछते भी हैं आपसे कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो थोड़ा जरा कमेंट सेक्शन बताओ क्या लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, गैस करो जरा। बच्चे शायद क्या लिख रहे हैं, MIP। बेटा आज सब कुछ पे डिस्कशन करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब हम लोग छोड़ने वाले हैं। और पॉइंट फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आसपास इतना कुछ है बच्चों के, इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ है, तो हमारा ये मतलब कर्तव्य बनता है, हमारा ये सब कुछ बनता है कि कुछ करें आपके लिए। ठीक है, तो उसी चीज को आगे लेके बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं, इट्स टाइम टू राइज। आपके हिसाब से कुछ गेसेस मैं कमेंट्स में देख पा रहा हूँ कि कई लोग लिख रहे हैं सर MIP, कई लोग कुछ टेस्ट के बारे में लिख रहे हैं, कई लोग नई बैच की डिमांड भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे द्रोणा भी लिख रहे हैं। द्रोणा भी लिख रहे हैं, अच्छा। तो हो सकता है इससे कुछ उलट हो, हो सकता है कि यही हो जो आप बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। और हम सब लोग चलते हैं सर, संकल्प भारत आपसे मिलके आपको राइज कराएगा, लेट्स सी हाउ। चलिए सर, एक एक करके हम बच्चों को लेके जाते हैं, ये हमारे दिग्गज हैं, इन सब लोगों के लिए हार्ट्स और तालियां बजती रहनी चाहिए चैट सेक्शन में। सर जब संकल्प भारत स्टार्ट हुआ था, मुझे कुछ लम्हे याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उन लम्हों के बारे में भी बात कर लेते हैं। वो दिन था, आपको पता होगा कि मतलब हाईली स्ट्रेस में थे, फिर भी हम लोगों ने मिलकर के इसका आगाज किया था और स्टार्ट किया था हमने यहां पर परिवर्तन सीरीज। याद होगा आपको, परिवर्तन सीरीज में पहला लेक्चर लिया था और आपने बहुत सपोर्ट किया था, वो हमारी एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से आज हम आपके लिए अकॉर्डिंग टू जो आप रिक्वायर्ड है वो हम कर पा रहे हैं। तो इसलिए एक्चुअल में जो भी कर पा रहे हैं वो आपकी वजह से कर पा रहे हैं और आपके लिए कर पा रहे हैं। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बेटा परिवर्तन सीरीज से, जो बिल्कुल फ्री सीरीज थी, यूट्यूब पर थी और बहुत आपने उसको प्यार दिया। सर एक सेकेंड, कितने बच्चे हैं जो परिवर्तन सीरीज को देखा है, कभी ना कभी सुना है, एक बार उसके बारे में भी। ये सीरीज अपने आप में ऐतिहासिक है, इसमें हार्डवर्क जो गया है टीचर्स का वो एकदम अल्टीमेट लेवल का है, नॉट कंपेरेबल है। मैं बेटा एक बात बोलना चाहूंगा, परिवर्तन में एमडी सर का वो पहला लेक्चर था जिसमें हमें याद है कि सिर्फ बच्चों ने नहीं, हर एक लोगों ने देखा था और एक सपोर्ट था संकल्प भारत की। आई थिंक वो इंडिया का सबसे बड़ा नीट का लाइव वो था, बड़ी वॉचिंग थी उसकी। और वॉचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि जब वो सेशन खत्म हुआ तो बच्चों ने जो लाइक और सपोर्ट दिया, और मैं बता सकता हूँ कि उस दिन किस स्थिति में एमडी सर ने पढ़ाया था। तो संकल्प भारत जो है ना, अब आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे वो कहानियां, वो स्टोरी आपकी मेहनत की, हमारी मेहनत की बनती जा रही है, और एक दिन वो आएगा जब ये कहानियां रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी। बस उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। yes. और उसी के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं अगर परिवर्तन सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज से बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट उठाया था, रिजल्ट तो भी आए। बिल्कुल, रिजल्ट में कन्वर्ट हुई थी ये सीरीज हमारी, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमें ये मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, उसमें आपकी परिवर्तन सीरीज में बहुत हेल्प की थी, क्योंकि सिंगल शॉर्ट सीरीज थी जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस कराया था पूरी टीम ने मिलकर के पूरे जोश और जुनून के साथ। yes. फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर, जिसके अंदर अल्टीमेट लेवल पर हम लोगों ने मिलकर के क्वेश्चंस कराए थे, और इस सीरीज में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस
आपके नीट के पेपर में रिपीट हुए थे और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज थी और इंडिया के बच्चों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब अप्रिशिएट भी किया, इसको फॉलो भी किया, उसका रिजल्ट में कन्वर्जन भी किया और यहां तक हमने नीट 2023 वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज लिए हेल्प किया, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि बच्चे जब यहां बन रहा था ना संकल्प भारत, तो जो प्यार और मोहब्बत आपने दिखाई ना, वो जिम्मेदारी में हमने बदल के आपको इन दोनों सीरीज से सेलेक्ट करा के हमने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की। इसके बाद सर हम लोगों ने एक मैराथन सीरीज भी लॉन्च की थी। नहीं हाँ, अभी हम रुके नहीं, नीट 2023 से पहले 24 घंटे की मैराथन इसी चैनल पे हुई थी, दोनों बायोलॉजी के लेजेंड्स ने लिया था। हमने भी केमिस्ट्री में सर कोशिश की थी, 18-19 घंटे की सीरीज ली, रात भर जगे, सुबह तक जगे और आपको पढ़ाया। उसी तरह फिजिक्स के हमारे लेजेंड्स जबरदस्त तरीके से 12-18 घंटे पढ़ा के आपको सेलेक्ट कराने में भरपूर कोशिश की थी। बिल्कुल, क्योंकि सर टीम वर्क है, सारा का सारा टीम वर्क है। हमारी जिम्मेवारी वहीं खत्म नहीं होती है, हम चाहते तो उसको यहीं पे खत्म करके और अपना जिम्मेवारी कंप्लीट मान सकते थे, लेकिन हमने उस जिम्मेवारी को और आगे बढ़ाया, नीट 2024 तक बढ़ाया और पहली सीरीज क्लास 11 के बच्चों के लिए एकदम जीरो कॉस्ट में प्योर बैच की तरह हमारे ऐप पे वो बैच है, ये बैच ₹0 में आपको दे दी और हमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उसमें हमने रिसेंटली बच्चों, लाखों बच्चों ने सपोर्ट दिखाया, हम सब के जो सेशंस थे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब द्रोणा सीरीज जब ने लॉन्च की थी ना, ये एक अल्टीमेट सीरीज है जिसमें हमने टोटली फोकस किया है 12th के ऊपर और इस सीरीज की जो खूबसूरती है या कह सकते हो कंटेंट क्वालिटी है जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसके अंदर हम पीवाईक्यू भी ले रहे हैं बहुत अल्टीमेट लेवल पर हाई एनर्जी के साथ, बच्चों ने इसको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया है और इसी चीज को हम आगे ले जाते हुए कहेंगे इट्स टाइम टू राइज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बच्चों आपको और आगे बढ़ाने का समय है, क्या हो सकता है। अच्छा, इसके दौरान हमारी कुछ पेड बैचेस भी आए, वहां लाखों बच्चों का ट्रस्ट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन हम अपना जो आपसे भरोसा था ना, आपका जो वादा था आपसे कि हम आपको फ्री पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम कितने बड़े हो जाए, बड़े आपकी वजह से हुए, हमारा बड़ा मतलब है कि संकल्प भारत आज 7 लाख का परिवार बनने जा रहा है, ये इतना बड़ा, इतनी अचीवमेंट आपने ही तो दी है, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। और इसीलिए इट्स टाइम टू राइज हम लेके आ रहे हैं सर, अब टाइम है रिवील करने का, इट्स टाइम टू राइज, प्लीज आइए। द्रोणा 2.0, बिल्कुल सही, बच्चों की हाई डिमांड पर, बिल्कुल द्रोणा 2.0। बेटा एक चीज मैं बताता हूं आपको कि हमारे पास सभी लोग ऐप में पूरी मेहनत से बैचेस में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि YouTube पे जाकर उन बच्चों को सपोर्ट करें जो बैच में पे नहीं कर सकते और पूरा कंटेंट पढ़ाने का जो वादा किया था, और हम आए हैं पूरे जोश से आपके साथ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कभी कोई चीज़ पे पीछे रुकने वाले हैं और हम ही लोग पढ़ाएंगे पूरी तरीके से, ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब ये चीज़ किसी ने पढ़ा दी, हम पूरा कंटेंट देंगे, पूरा एकदम फ्री पढ़ाएंगे। आप सच्ची ये बात बता रहे हो कि पूरा फ्री में पढ़ाने वाले? बिल्कुल पढ़ाएंगे, संजीवनी में पूरा कंटेंट डालेंगे, आपका 11th का पूरा कंटेंट संजीवनी में डालेंगे, द्रोणा में हम अभी 12th का पूरा टॉपिक करा रहे हैं, तो एक तरीके से जो बच्चे मतलब हम पे डिपेंड है उनको सपोर्ट करेंगे, उनको पूरी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और ये आप याद करिए, हमने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि हम YouTube पर पूरा कंटेंट देंगे, तो आपको इस चीज को मतलब आपको भरोसा रखना होगा और हम मानते हैं कि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कहीं पर कुछ चीजें लैग होती हैं, मानते हैं इसको, हम कभी ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा मानते बोलते हैं, लेकिन आप भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है रिवीजन और चीजें पर, क्या आप रुकते हो? नहीं, हम भी नहीं रुकने वाले, हम भी पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, है कि नहीं सर? बिल्कुल। देखो, आप सभी बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा इंजन या ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि 100% के आसपास आउटपुट दे सके। तो कुछ चीजें हम लोगों से भी छूट जाती होंगी या ध्यान नहीं रहता होगा, वो आप हमें याद दिलाते हो तो और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो संकल्प भारत है वो एक परिवार है, उसमें हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है और हम लोग मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी सीरीज में, उसी में एक
बड़ा मील का पत्थर हम लोगों ने और तय करने की कोशिश की है, जिसका नाम है द्रोणा 2.0। हमारी कोशिश है कि 11th का सिलेबस आप संजीवनी से करते चले जाएं और 12th का सिलेबस आप द्रोणा से करते चले जाएं, जैसे आपका कंप्लीट सिलेबस हो सके और आप अपने सपने को, अपने परिवार के सपने को पूरा कर सको और डॉक्टर बन सको। सर एक चीज पूछनी थी मुझे। सर हमने द्रोणा 1.0 पढ़ाया, तो क्या हम सिर्फ पढ़ा के निकल जाए, टेस्ट भी तो लेना चाहिए? नहीं सर, हमने बोला है बच्चों को कि हम बैच की तरह पढ़ाएंगे। हम केवल YouTube पे फ्री पढ़ा के थ्योरी देके किसी का सिलेक्शन करा नहीं सकते। हमें टाइमली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराना है और साथ में टेस्ट के थ्रू भी आपको गुजारना है। टेस्ट कब है, क्या है द्रोणा वालों का, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। आपको बता देता हूँ बेटा, आपका 2 अक्टूबर मतलब आज, जो हमने द्रोणा 1.0 मतलब द्रोणा में हमने जो भी टॉपिक पढ़ाए थे उनका एक टेस्ट अपलोड है हमारे ऐप पर। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा कि भाई द्रोणा के लेक्चर्स नहीं देखे स्टार्टिंग वाले, वो देख सकते हैं और टेस्ट दे। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें देखकर व्यूज मत बढ़ाओ, आप टेस्ट दो और सिलेक्ट हो। तो इसका मतलब ये है कि द्रोणा में हम जो जो पार्ट पढ़ाएंगे उन सब का टेस्ट जरूर लेंगे और आप उसको ऐप पर अटेम्प्ट करो। अगर आपने भी नहीं तैयार किया है तो एक दो दिन तैयार करके आप दो, और 3-4 दिन का गैप दे रहे हैं। आप देख रहे होगे जैसे द्रोणा 1.0 था, अब वो फिनिश हुआ तो हमने 3-4 दिन का गैप दिया, इसलिए दिया कि आप उन चैप्टरों को अच्छे से कर लो, क्योंकि 10 चैप्टर के आसपास थे, अब उनको रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अब आप दोगे जाके टेस्ट द्रोणा 1.0 के सिलेबस का। उसमें जितना भी सिलेबस पढ़ाया गया बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे द्रोणा 2.0। हाँ, लेट्स गो सर। अब इसी तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, पढ़ते जाओ, टेस्ट देते जाओ, टेस्ट देते जाओ। बच्चे आप सब, मैं एक बात बोलूंगा सर कि द्रोणा जो 2.2 है, मैं ये बोलूंगा ड्रॉपर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन सीरीज है, 12th में जो बच्चे है ना उनके लिए ये एकदम अल्टीमेट सीरीज है। ऑफलाइन वालों के लिए तो पूछो ही मत, तीनों मतलब आप ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, ड्रॉपर हो, 12th हो, क्योंकि इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है, इसीलिए हमने 12th वाला पार्ट इसमें कवर किया है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर की है इसके अंदर, सारे पीवाईक्यूज कवर किए हैं इसके अंदर, यानी पूरी कोशिश की गई है कि आपका एनसीईआरटी बेस आपका टोटल 12th वाला पोर्शन कवर हो, आपका नीट का लेटेस्ट एनटीए के पैटर्न से कवर हो, यानी हर चीज का ध्यान रखा गया है। तो इस सीरीज का मुझे पता है आप लोग भरपूर इसका बेनिफिट उठाने वाले हो। अब सीरीज को आगे ले जाते हुए हम डिस्कस करते हैं। चलिए सर, तो नेक्स्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। द्रोणा 2.0 का प्लानर, अब हम इसको टुकड़ों में लेके चल रहे हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका दोबारा टेस्ट आने वाला है। थोड़ा प्लानर आपको दिखा दूं मैं, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको बता दूं, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक का प्लानर हमने दिया। हमने इतना ही क्यों बताया? क्योंकि इसके बाद आपका टेस्ट आने वाला है। द्रोणा 1 कराया, टेस्ट लिया, 2 कराएंगे, टेस्ट लेंगे, फिर 3 कराएंगे और सारा सिलेबस करा देंगे जैसे सर ने बताया आपको। बिल्कुल बिल्कुल, 12th कंप्लीट होगा सर इसके अंदर, पहले बोल दे रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं इट्स टाइम टू राइज का सेकंड पार्ट के ऊपर। एक आपको YouTube का फ्री सीरीज दिया और हम देते रहेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं और हम ही लोग जो बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं वही सारे लोग आके आपको फ्री में पढ़ाने की पूरी भरपूर जान लगा देंगे आपके लिए, इससे ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते। अब आते हैं सर एक चीज जो बच्चे बहुत लगातार डिमांड कर रहे हैं, MIP को लेकर। MIP क्या है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ है वो एक बार मैं एक बार मैं चाहूंगा कि शेड्यूल एक बार बच्चे दोबारा दिखा दें हम लोग उसका, द्रोणा का थोड़ा सा जूम करके एक बार आप शेड्यूल दिखा दीजिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि क्या आने वाला है, है ना। थोड़ा सा बच्चों के पास क्या शेड्यूल है तो वो देख रहेगी, मैं टाइम वगैरह सब बता देता हूँ इसके बारे में, द्रोणा के बारे में। तो एक बार आप जूम कर दीजिए ताकि आपको प्लानर दिख जाए, ठीक है, बच्चों को दिख जाएगा प्लानर। तो बेटा हमने वही चीज़ जैसे विशाल सर ने बताया कि हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, उसका टेस्ट लेंगे, जैसे द्रोणा 1 में किया वैसे हम इसमें चैप्टर वाइज करा के इसका टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। क्लासेस क्या है आपकी, इवनिंग में होगी और प्रॉपरली हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे पूरे उसका। हाँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कराया फिर छोड़ दिया, उससे क्या होता है। टाइमिंग बच्चों को जरूर बता दीजिए, 5 PM। हाँ, 5 PM है बेटा, 5 PM के आपका इवनिंग में लेक्चर होगा और ट्राई ये रहता है कि हम एक
एक लेक्चर या दो लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट करें, उसका एक असाइनमेंट आपको दिया जाए, उसके बाद जब ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसका एक टेस्ट लिया जाए, क्योंकि आपको भी क्या है ना टुकड़ों में जीतना पड़ता है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, जब आप छोटी छोटी लड़ाई जीतोगे ना तभी आप एक बड़ी जंग जीतोगे, तो ये छोटी छोटी लड़ाई है ना ये आपको जीतनी पड़ेगी, उसके बाद आप एक बड़ी जंग जीत पाओगे। तो इसको आपने ध्यान रखना है और पूरा अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि अब रुकने का टाइम नहीं है, टाइम है राइज करने का, है कि नहीं सर? बिल्कुल। तो अब ये हम लोग MIP जो हमारा प्रोग्राम था उसके बारे में बता देते हैं। MIP हमने अपने बैच में मार्क्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हमने बोला था कि हम आपके मार्क्स इम्प्रूव कराने के लिए कोई प्रोग्राम बैच के अंदर लाएंगे, और ये YouTube के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ बैच में है, अब क्योंकि हमारा ऐप पर है, क्योंकि हमारा ये भी है ना कि जो बच्चे हमारे पास ऐप पर आ गए उनके मार्क्स कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, तो हमने ये जो प्रोग्राम है ऐप में लॉन्च कर दिया है, और ये आपको एक मेंटरशिप के साथ वेडनेसडे को आपकी एक मेंटरशिप होगी, उसके बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने तीन सेक्शन बनाए हैं, आधार एक साकार है और एक शिखर है। एक्चुअल में हमने क्या अलाउ किया मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने बैच में जब जाएंगे जिस बैच में वहां पर आपको तीन सेक्शन दिखने वाले हैं, एक आधार नाम का, एक साकार नाम का, एक शिखर नाम का, ठीक है? इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से आप अगर न्यूट्रॉन 1.0 में है, 2.0 में है और 3.0 में है, आपको इस तरीके से सेक्शन दिखेगा। हुआ क्या है कि आप इन तीनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं एक चीज आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पे सर, आप अपने मार्क्स के हिसाब से ज्वाइन कीजिए। अगर आपके मार्क्स 350 आ रहे हैं तो आप आधार ज्वाइन कीजिए, 350 to 500 आ रहे हैं तो साकार ज्वाइन कीजिए, और 500 के ऊपर आ रहे हैं तो आप ये वाला शिखर ज्वाइन कीजिए। आप तीनों ज्वाइन कर सकते हैं, पर प्लीज कोशिश करिए कि आपको जिस सेक्शन में अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं उसी सेक्शन। बिल्कुल। देखो यार ये सिंपल सी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो यदि आपको फीवर है तो यार वो फीवर की ही दवाई देता है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई और दवाई दे देगा। तो उसी तरह से आप किस सेक्शन में लाई कर रहे हो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ाना है, तो जो जो गाइडेंस आधार वालों को दिया जाएगा वो डिफरेंट होगा, जो गाइडेंस साकार वालों को दिया जाएगा वो अलग होगा, और जो गाइडेंस शिखर वाले को दिया जाएगा वो अलग होगा। यदि आप सभी सेक्शन में चले जाते हैं या किसी गलत सेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही होगा कि आपको है फीवर और दी जा रही है दवाई सर दर्द की। तो ध्यान रखिएगा अपने सेक्शन में ही जाएं, जिस जगह पे आप लाई कर रहे हो। और आप सर एक चीज और कर सकते हैं, आप अगर 2-3 टेस्ट देते हैं और आपके मार्क्स फिर 350 to 500 आते हैं तो आप इधर आ जाइए अपने आप से, और फिर अगर आपके 500 प्लस आने लगते हैं तो आप इधर आ जाइए। तो ये आप चीज कर सकते हैं, है कि नहीं सर? ये चीज आप कर सकते हैं। और इसमें क्या बताया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, ये कहां मिलेगा? ये मैं बता देता हूँ, आपने क्या करना है, अपने ऐप में जो आपके पास बैच है उसमें आपको इस तरीके से लेफ्ट साइड में ये देखिए, ये इस तरीके से बैच मिलेंगे, इनको आपने ज्वाइन करना है। तो इस तरीके से आपने ज्वाइन करना है, उसके बाद आप ये देखिए कि ये यहाँ पर है एक कम्युनिटी का वो बना हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो एक कम्युनिटी ज्वाइन हो जाएगी आपके पास। हाँ, इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगी, ये जब कम्युनिटी ज्वाइन हो जाएगी तो इसी में आपके मेंटरशिप सारी चीजें जो आपके बैच से रिलेटेड है वो सब आ जाएगी। ये चीज समझ में आ रही, ये सब आपको इसी में मिलेगी। तो उससे पहले आपने क्या करना, मैं क्लियर बता देता हूँ, आप अपने बैच के अंदर न्यूट्रॉन 1.0 2.0 जिस भी बैच में आप हैं वहां पर जाकर आपके पास आधार साकार शिखर है उस सेक्शन को ज्वाइन करेंगे, और वहां पर आपके पास एक कम्युनिटी ज्वाइन करने का ऑप्शन है, उसे ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से आप MIP ज्वाइन कर सकते हैं, और वेडनेसडे को MIP में एक मेंटरशिप का लेक्चर आएगा जिसमें इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है और हम आपको पूरे महीने भर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और सारी चीजें देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आप पकड़ी मेरे पास है, तो बच्चों ऐसा है कि जो सर लोगों ने बताया, हमने आपको जब बैच लॉन्च किया था न्यूट्रॉन उसमें बताया था कि मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे और देंगे बिना किसी चार्ज के, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और वही चीज को हम यहां पे अब लॉन्च कर चुके हैं, और आपकी सारी प्रॉमिसेस जो भी हैं वो सारी पूरी की जाएगी संकल्प भारत की तरफ से। उसी के लिए जो बच्चों का 350 से नीचे है वो इसमें आएंगे, 350 से 500 वाले इसमें आएंगे, 500 वाले से ज्यादा उसमें आएंगे, और हर स्टूडेंट को उसके हिसाब से 700 के अप्रोक्स ले जाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। और ये सारी डिटेल्स
इसी के अंदर बैच के अंदर आपको दिख जाएगा, बैच के अंदर वीडियो की फॉर्म में हम ही सब बना के आपको दे रहे होंगे, गाइडेंस कर रहे होंगे, मार्क्स पढ़वा रहे होंगे, आपको जो जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे किए जाएंगे। हाँ, बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि MIP प्रोग्राम जो बच्चे कह रहे थे या हम लोग लाने की कोशिश कर रहे थे वो थोड़ा जल्दी कर रहे थे, मगर आप भी जानते हैं कि ये चीजें जो चलती हैं वो एकेडमिक भी चलता है, साथ साथ में इसमें टेक भी इन्वॉल्व होता है, ऐप का भी इन्वॉल्वेशन होता है, तो वो थोड़ा फंस गया था जिसकी वजह से हम लोग 20-22 दिन लेट हो गए। इसके लिए हम लोग बच्चों से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ यार, ये थोड़ी सी मिस्टेक हम लोगों की थी कि हम लोग 20-25 दिन डिले हो गए किसी ना किसी रीजन की वजह से, कोई नहीं, मगर हाँ अब आगे बढ़ेंगे। बच्चे हमेशा सपोर्ट में हैं। और बच्चों आपको एक फ्री सीरीज हमने पहले बताया द्रोणा 2.0, अब हम ये पेड वाले बच्चों को जो प्रॉमिस किए थे वो भी पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, ऐसा है कुछ बच्चे अभी जरूर सर्च करते हैं कि मुझे कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिल जाए, मुझे कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिसमें टीचर्स मेरे को लाइव पढ़ाते हो, मेरा डाउट क्लियर हो, मेरे को प्रॉब्लम्स मिले DPPs के फॉर्म में, मेरे को टेस्ट मिले, और वो सारी चीजें 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, द लास्ट टाइम, वन इन द लास्ट टाइम। केवल एक सिंगल कमेंट में भी आ रहा था, कमेंट में भी आ रहा है कि सर ऑर्गेनाइज्ड कोर्स की जरूरत है, और साथ में इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का बैच इसी बैच के साथ फ्री भी मिल रहा है, और उसमें ये सारे लोग जो भी आपको दिख रहे हैं संकल्प भारत के अंदर वो सब पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, इस बैच की खासियत आपको बता दूं कि इसमें मेजॉरिटी क्लासेस लाइव होंगी, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, बट 90% से ज्यादा क्लासेस आपको लाइव ही मिलती है। बैच के अंदर प्रॉपर टेस्ट है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लेते हो वैसे यहां पे भी आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे। DPP के साथ वीडियो सॉल्यूशंस हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमारे वीडियो सॉल्यूशंस देख के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। PNS और SNS हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो नीट में आ रहे ना, मैच द कॉलम, एसर्शन, रीजन स्टेटमेंट, ये सारी चीजें PNS SNS के फॉर्म में कवर होंगी, और उन सब के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। सर ये कौन सा बैच बच्चों को फ्री दिया गया है? ये साथ में इंडिया का सबसे अच्छा क्वालिटी वाला बैच, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले टीचर्स का बैच न्यूट्रॉन 1.0 है, जो इसके साथ फ्री दी जाएगी, ताकि कुछ बच्चों को सर मान लीजिए कोई और चैप्टर भी पढ़ के तैयार करना है, कुछ बच्चों को आगे रहना है सिलेबस में, कुछ बच्चे कुछ चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे अभी तक, बिल्कुल उनके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, उनके टेस्ट, उनकी जितनी भी क्लासेस हुई है वो सारी आपको फ्री में। मतलब आपने क्या किया है कि आपने एक ऐसा बैच दिया है जिसमें जो बहुत तेजी से दौड़ सकता हो, 2 साल या 3 साल पुराना ड्रॉपर हो तो वो इससे तेजी से कवर करता चला जाए, और जो अपने लाइव क्लास के टीचर के साथ चलना चाहता हो तो वो इस बैच से चला जाए, है ना। इसमें भी बच्चों या संकल्प भारत फैमिली के सारे बेस्ट टीचर्स आपको यहां पे पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में हमने इस बार मैम को यहां पे इसमें इंट्रोड्यूस किया है, फिर हम केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक मैं ले रहा हूं, ऑर्गेनिक सुभाष सर ले रहे हैं, और फिजिकल में कुछ पार्ट आप ले रहे हैं, कुछ पार्ट और भी लेंगे। सिमिलरली बॉटनी जूलॉजी में भी कुछ पार्ट जरूर तरुण सर और MD सर भी यहां पे पढ़ाएंगे। सर आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट आपके पास ये सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज, सबसे इसका तो मतलब बच्चे रिस्पांस जो है गजब का, गजब है। मतलब बच्चे जो कह रहे हैं उसके हिसाब से तो एक अलग तरह की। तरुण सर थोड़ा सा कुछ बताएं, MD सर आप भी बताएं। मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं बेटा आपको, संकल्प भारत ने पहली बार मेरे ख्याल से शायद इंडिया में किसी ने ये जल्दी से किया नहीं है कि इतने कम प्राइस पर एक ऐसी टेस्ट सीरीज दी जाए जिसमें बहुत सारे टेस्ट हो, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस हो और आपके घर तक पहुंच सके। तो हमने बहुत कम प्राइस पे एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन मतलब 22 पेपर आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे बिल्कुल, कि जो आप घर पर प्रॉपर टाइम लगा के दे सके। अब मैं बता सकता हूँ, ये हमारा एक ड्रीम था, हम अलग अलग जब गए डिफरेंट डिफरेंट जगह गए, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो NCERT बेस्ड, NBTS क्या है, NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज है। मतलब क्या है, मेरी बात सुने ध्यान से। अभी क्या हुआ था बेटा, जब पेपर का लेवल हमने देखा ना, और जिस तरीके का पेपर हमने देखा, लगातार पेपर NCERT से आ रहा था। फिर हम जैसे कोटा गए, हम पटना गए, वहां पर बच्चे ने बोला सर बैच तो आपका ले लिया हमने, अगर कहीं टेस्ट सीरीज का और इंतजाम हो जाता ना, जो हम बहुत कम प्राइस पे दे सकते। क्योंकि क्या होगा, मान लो बैच हम लोग 2200 रुपये में लाए थे, न्यूट्रॉन 1.0, 2200 रुपये में घंटों का मतलब कंटेंट, इतना सारा कंटेंट, इतने सारे क्वेश्चन, 50,000 क्वेश्चन सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हम दे रहे थे। बच्चा कहा कि सर ऑफलाइन अगर हम कहीं ज्वाइन करते हैं ना टेस्ट सीरीज, तो हमें 12,000, 15,000, 8,000, 6,000 इतने पैसे देने पड़ते हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए ना। कि और दूसरा क्या होता है, हमें
आठ घंटे छह घंटे ट्रेवल करके जाना पड़ता है टेस्ट देने, तो कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि यार टेस्ट मिल जाए हमें ऑफलाइन के। तो हमने ये बच्चों की डिमांड पर इसको लॉन्च किया और खुद अपने यहाँ बैठकर प्रॉपर तरीके से बनवाया इसको, एनसीईआरटी बेस रखा है और बहुत क्वालिटी की टेस्ट सीरीज हमने अपनी गाइडेंस में बनवाई है। तो अब इसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है, ठीक है, मैंने बताया पूरी टीम डेडिकेट होकर इस पर लगी है। बच्चों की हर जो बच्चा चाहता था कि सर एनसीईआरटी बेस्ड हो, सर एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, सर ये उस ड्यूरेशन में हो जिस ड्यूरेशन में हम नीट का एग्जाम देते हैं, सर इसमें आप हमें भाई ऑफलाइन टेस्ट के साथ अगर आप हमें ओएमआर प्रोवाइड करा दो तो जो ओएमआर में मिस्टेक्स होती हैं सर हम उसको भी इंप्रूव कर पाते हैं, हमने उसको भी इसमें इंक्लूड किया, क्या सर इसमें आप सॉल्यूशन दे सकते हो? तो हमने कहा बिल्कुल बेटा, तो हमने पूरी सॉल्यूशन की बुकलेट भी साथ में दी। आप बिलीव नहीं करोगे इस अमाउंट के अंदर हम पूरा हार्ड कॉपी बुक सारे ओएमआर और आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, घर तक समझ रहे हो, कोरियर का बहुत कॉस्ट लगता है ये आपको पता है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि हमारी टीम का यही था कि अगर हम बच्चे को सारी चीजें नहीं दे पाते हैं, बच्चे को हमने बैच सस्ता दे दिया और कहीं ना कहीं उसको 10,000 या 12,000 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पड़ रही है तो हमारा बेकार हो गया सारा बच्चों करना, को ना, ठीक है। एक बार मैं एनबीटीएस के जो फीचर है वो समझा देता हूँ बच्चों, बड़ी कम शब्दों में। लास्ट बात मैं बोलना चाह रहा था बेटा, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, रीजन क्या है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रही है, तो आप सबको ये मतलब मेहनत से देनी चाहिए और हमने भी मेहनत करी है इस पे। और मैं फिर आपको बोल सकता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी जितने हमने प्रिंट करने थे वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने वाला लगभग हो चुके और हम इसको बंद भी करने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि फिर इसका हो सकता है एनबीटीएस का फिर हमें 2.0 लाना पड़े। हाँ, तो पर वो इस डेट पे आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एक बार आप फीचर बता दीजिए बच्चों को, क्योंकि फीचर इसके ऐसा है बच्चों, NBTS का जो हमने पहला फेज आपके लिए लेके आए थे वो ऑलमोस्ट ऑर्डर में हम फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गजब का रिस्पांस दिखाया। उसमें 22 ऑफलाइन टेस्ट आपके घर पे हम भेज रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन बुकलेट जा रही है कि जो भी आप टेस्ट दो, कुछ भी दिक्कत आया फटाफट बुक पलटे, सॉल्यूशन देखे, टाइम बचाया, सब कुछ कर लिया। लेटेस्ट पैटर्न जो NTA पूछ रहा है उस पर बेस्ड है, साथ में बच्चों इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज ने इसको बनाया है और 25 OMR सीट्स ताकि आप सर्कल करने का भी प्रैक्टिस कर लें, और इसके साथ साथ 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये सारा जो 22 ऑफलाइन टेस्ट है कूरियर के थ्रू एज सून एज पॉसिबल हम आपके घर पे भिजवाएंगे। अगर आपने लेना है और इस कंपटीशन में आपको एंटर करना है तो फिर ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये लॉट अब बंद हो जाएगा कुछ दिनों में। हाँ, दूसरा फेज आएगा लेकिन उसमें आप लेट हो जाओगे, एंड आई डोंट थिंक टाइम से बड़ा कुछ लॉस है। चलो बच्चों, नेक्स्ट मैं लेके जाता हूं आपके पास, सारी टीम को वापस बुलाते हैं। सर बच्चों के लिए फ्री भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए पेड भी कर रहे हैं, हाँ, बच्चों के लिए जो पॉसिबल। लास्ट चीज मैं बोलूंगा बेटा, लास्ट चीज बोलूंगा, बैच होता है, टेस्ट सीरीज होता है, हमारा सिर्फ इतना कोशिश रहता है कि बहुत कम प्राइस पे आपको दे दे, और जब ये साल एंड हो तो कोई भी ऐसी चीज ना बचे जो हम आपको ना दे पाए हो, चाहे वो यूट्यूब की फ्री सीरीज हो, ठीक है। सबसे बड़ा जो मुझे जो समझ में आता है कि कोई बच्चा बस ये ना कह पाए कि सर यदि आप YouTube पे फ्री में ये काम कर देते तो शायद मैं सेलेक्ट हो जाता। इसी वजह से हम लोग YouTube पे भी वैरायटीदार चीजें लाते रहते हैं कि हाँ भाई 11th भी कर लो, 12th भी कर लो, इवन YouTube पे हम लोग ने टेस्ट भी कराना शुरू कर दिया है दोनों सीरीज में। लास्ट चीज बेटा, लास्ट चीज में एक लास्ट चीज, देखो अभी सर ने कहा कि हम लो कॉस्ट में तो लेकर के आ रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी पूरी टीम की है क्वालिटी। क्वालिटी से कंप्रोमाइज हम ना किया है ना आगे फ्यूचर में करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी क्वालिटी है, सिलेक्शन है, और तब जाकर के हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट को जितना लो ला सकते हैं, जितना लो ला सकते हैं उतने लो पर लेकर के आएंगे, पर क्वालिटी के साथ, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लास्ट चीज बेटा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर 92 चैप्टर्स हैं नीट में और हर एक चैप्टर में लगभग हम 400 क्वेश्चन अपने SNS PNS में दे रहे हैं, उसके साथ हम क्लास के लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं और उसके साथ YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं, तो हर एक टीचर शायद अपनी मैक्सिमम लिमिट पे काम कर रहा है, और इसके बाद भी अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो फिर बात गलत खराब है। नहीं सर, संकल्प भारत से सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं तो फिर खराब है। तो एक क्लास से जो आपसे मेहनत कर रहा है, जितनी मेहनत, हाँ, ये 7 महीने हैं, आप आज संकल्प लेंगे इस चीज का कि सर ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाने देंगे और पूरा एफर्ट करेंगे, ये चैट में मुझे दिखना चाहिए, और इस प्रॉमिस को आप चैट में भी लिखेंगे कि सर हम प्रॉमिस करते हैं और 2 अक्टूबर है और ये संकल्प लेते हैं कि सिलेक्शन के बाद आपको ये मैसेज दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं सर। बच्चों आप अपना 100% दीजिए, आपका 100% ही आपका सिलेक्शन है, ठीक है जी, जान लगा के मेहनत करो, आपको
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने कुछ मिस कर दिया इस साल। आप देखोगे आपके साथ अच्छा ही होगा, सिलेक्शन चाहते हो सिलेक्शन होगा, जिस मेडिकल कॉलेज में जाते हो वहां पहुंच सकते हो, सब काबिलियत है, बस डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दो। मेरा यही मैसेज आपको आज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, आप अपना बेस्ट दो, ना तो प्रेशर लो, क्योंकि देखो यार दुनिया में बहुत सारे काम है, जरूरी नहीं है कि हर काम हर आदमी कर पाए, मगर अपना बेस्ट देना अपना हक है। आप अपना बेस्ट दो, और आप अपना बेस्ट दोगे ना तो जरूर सेलेक्ट होगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो सिलेक्शन हो रहा है जिनका, वो या तो आपका रिश्तेदार है, या आपका दोस्त है, या आपकी गली में रहने वाला है, या फिर वो आपका रिश्तेदार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सेलेक्ट हो रहा है वो आप में से ही कोई एक है, तो आप भी हो सकते हो। मगर मैं बस इतना ही कहूंगा, अपना बेस्ट देने के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंकनी पड़ेगी, लगातार लगे रहना पड़ेगा, और यदि ऐसा करते हो तो जरूर रहेगा। तो अब हम लोगों को बच्चों को बाय बाय कर देना चाहिए। बच्चों फिर मिलेंगे लाइव क्लास में यूट्यूब पर। हाँ, द्रोणा के लिए जो एक्साइटमेंट है बच्चों, वो चैट सेक्शन में नीचे ऑफलाइन वाले में दिख जाना चाहिए। लेक्चर मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, पहला लेक्चर मैं लेकर के आ रहा हूँ 3 तारीख को शाम 5 बजे, बायोटेक एप्लीकेशन। कोशिश करूंगा सिंगल शॉट में ही पूरा फिनिश कर दूं। तो मिलते हैं बेटा, ठीक है, 3 तारीख को शाम को 5 बजे द्रोणा सीरीज के अंदर, जिसको मैं सच कह रहा हूं इंडिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में कन्वर्ट करके दिखाएंगे ये पूरे कंटेंट वाइज, ठीक है, जोश वाइज, कंटेंट वाइज अपना पूरा 100% डाल देंगे उसके अंदर। और देखते सिलेक्शन कैसे नहीं होता, सिलेक्शन होके रहेगा। हम अपना 100% दे रहे हैं, आपको अपना 200% देना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, तभी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा।